दोस्तों, एक शिक्षक अपने समाज का आईना होता और छोटे छोटे बच्चों के भविष्य का निर्माता होता। लेकिन दोस्तों, दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान पूर्वी के एक शिक्षक के द्वारा जिस तरह से अपने ही स्कूल की छोटी छोटी बच्चियों के लिए अमर्यादित और अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया, और दोस्तों खास करके एक जाति के लिए, पासवान समुदाय के लिए गंदी गंदी गाली का प्रयोग किया गया है, उसके बाद से उस शिक्षक के प्रति पूरे समाज में, सभी अभिभावकों में और छात्र छात्राओं में बना हुआ। और दोस्तों, उसी गुस्सा को जाहिर करने के लिए आज भारी संख्या में यहाँ पे ग्रामीण जुटे हैं। और देखिए, एक माता जी हैं जो ये गालीबाज शिक्षक को जूता का माला पहना रहे यहाँ बच्चा सब के गाली दल कर पढ़ाई लगा लेता तो वह से जूता का माला। हाँ, होश में आओ, होश में आओ, आसमान जाति पर अत्याचार बंद करो, आसमान जाति पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, गंगा प्रसाद यादव बंद करो, गंगा प्रसाद यादव बंद करो, आसमान जाति पर अत्याचार बंद करो। और दोस्तों, जो गुस्सा और आक्रोश यहाँ ग्रामीणों में दिख रहा है, यही गुस्सा पूरे कुशेश्वर स्थान विधानसभा के एक जाति विशेष में दिख रहा। और दोस्तों, काफी गुस्सा में है, और देखिए यही वो गालीबाज शिक्षक हैं, इनका नाम गंगा प्रसाद यादव है। हालांकि इन पे कुशेश्वर स्थान थाना में ना नुकुर करने के बाद और निश्चित रूप से लोगों के दबाव के बाद, प्रेशर के बाद केस दर्ज कर लिया गया और विभाग की तरफ से कार्रवाई का आदेश भी दिया गया है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कार्रवाई शिक्षक पे नहीं हुई है, न तो गिरफ्तारी हुई है और न ही इसे नौकरी से बर्खास्त किया गया। इसी मांग के साथ यहाँ पे एक बार कैमरा घुमाइएगा और दिखाइएगा, हजारों की संख्या में यहाँ पे पासवान समुदाय के लोग खड़े हैं जो इस गालीबाज शिक्षक पर कार्रवाई का मांग कर रहे हैं। और देखिए, बच्चे भी हैं यहाँ पे, और बच्चे, युवा, जवान सभी हैं, और सभी लोग इस बात से गुस्सा में हैं कि इस तरह से एक शिक्षक के द्वारा किस तरह से एक समुदाय के लिए ऐसे निडरता से एक गाली गलौज और गंदा तरह का व्यवहार किया जा सकता। और एक शिक्षक जिसके पास बच्चे भविष्य बनाने के लिए जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, माता पिता विश्वास के साथ शिक्षक के पास बच्चे को भेजते हैं, सोचिए वही शिक्षक अपने स्कूल की बच्ची के लिए इतनी गंदी गंदी भाषा का प्रयोग करे और अब तक उस पर कोई कार्रवाई ना हो और बिहार के सम्मानित पासवान समुदाय पर गंदी गंदी टिप्पणी करे, गंदा गंदा गाली दे और अभी तक कोई कार्रवाई ना हो, तो आक्रोश इन लोगों का जायज कहीं ना कहीं बनता है। काहे घुसाए हुए हैं इतना? हम लोग के पासवान को जाति के बहुत अत्याचार किया गंगा प्रसाद यादव। अच्छा, पासवान समझ करके गाली दिया हम लोग को। हाँ, हाँ। इसलिए हम लोग गुस्सा में है। हाँ, हाँ। क्यों गाली दिया? हाँ, हाँ। बच्चे के साथ क्यों दुर्भाग किया? हाँ, हाँ। इसलिए हम लोग क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग उसको फांसी को सजा मांगते हैं। हम लोग को फांसी चाहिए, उनको गंगा प्रसाद यादव को फांसी चाहिए। पुतला दहन कर रहे हैं? हाँ, उनका पुतला दहन कर रहे हैं। पुतला दहन कर रहे हैं? जी जी। काहे पुतला दहन कर रहे हैं? उन्होंने जो अत्याचार किया है बच्चिया के बारे में अशब्द भाषा बोला, इसलिए हम लोग उसको पुतला जला रहे हैं। और इस पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग अनशन करेंगे। अनशन कीजिएगा जी, आंदोलन कीजिएगा जी, जी कार्रवाई चाहते हैं जी, सब लोग कार्रवाई चाहते हैं। हाथ खड़ा करके बोलिए, सब लोग कार्रवाई चाहते हैं, कार्रवाई चाहते हैं। और दोस्तों, ये सब वो पासवान समुदाय हैं जो एक पैर पे चिराग पासवान के पीछे खड़े रहते हैं, लेकिन आज समस्तीपुर लोकसभा के कुशेश्वर स्थान विधानसभा में पासवान जाति को टारगेट करके गाली दिया गया, लेकिन चिराग पासवान जी के तरफ से कोई कदम ना उठाना, मदद ना करना, कहीं ना कहीं लोगों के बीच में निराशा है। आप लोग चाहते थे कि चिराग पासवान जी इस पर एक्शन ले? जी आज चाहते हैं एक्शन ले। नहीं लिए हैं अभी तक, कोई रिप्लाई नहीं दिया है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। ए बाबा, शिक्षक से तो लोग पहले, माता पिता, घर के लोग सब शिक्षक को सम्मान करते थे। हाँ। लेकिन शिक्षक जब इस तरह से किसी एक समुदाय का अपमान करे, कितनी लज्जा की बात है। हाँ। जरूर, उनको उनको दंड मिलना चाहिए। अच्छा। कड़ा से कड़ा दंड मिलना चाहिए। अच्छा, अच्छा। और हमारे जो चिराग पासवान जी है, उनको यहाँ पर आना चाहिए। आहा। उनको बुलाना चाहिए। आहा। और उस शिक्षक को सामने में, हम लोग को सामने में आना चाहिए। कार्रवाई चाहते हैं, कार्रवाई चाहते हैं, क्योंकि वो माँ का लाल है तो लीलो लावे, उनको गोली करेंगे हम।
गुस्सा में है। हाँ गुस्सा में है, गुस्सा में। और निश्चित रूप से इनका उम्र आज 70 साल से ज्यादा होगा, कभी कानून को हाथ में नहीं लिए, और काफी सम्मानित लोग हैं, देखिए घंटी भी लिए हुए हैं, लेकिन आज इस तरह के शब्दों का प्रयोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रशासन जो है नकारा बन के बैठा हुआ है, इसीलिए इनका खून खोल रहा है। और चिराग पासवान जी शांत बैठे हुए हैं और इन लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं। और जितनी संख्या में यहाँ पे युवा और पुरुष दिख रहा है, उतनी ही संख्या में यहाँ पे महिला लोग भी हैं। जूता के माला पहनलिए हन, तो जूता के माला पहनबे नहीं तो आज एरा जूता के माला पहनलिए हन, हम बच्चा के स्कूल भेजलिए हन, ओकरा गुरु बनाए कहलिए गुरु लंग गालें, तो गुरु ज्ञान देते गुरु गार पारते की चाहे छे गुरु पर ओकरा की चाहे ओकरा सजाए चाहे छे चिराग पासवान साथ अभी तारीख नहीं दलकन पासवान के तो ओकरा कथिल जितलिए संभावी कथिल जितलिए नारा कथिल लगलिए तो ओकरा सजाए चाहे एरा फांसी का डर चाहे हम एहन मास्टर के हम सब नहीं चाहे नहीं चाहते मास्टरी से हटा दिया हां मास्टरी से हटा और दोस्तों यहाँ पे मौजूद हर लोग चाहते हैं कि ऐसे शिक्षक को शिक्षक के पद से बर्खास्त किया जाए और जो कानूनी कार्रवाई के तहत जो भी कार्रवाई होती है कानून के तहत इस शिक्षक पे कार्रवाई की जाए। और दोस्तों आक्रोशित है पूरे कुशेश्वर स्थान विधानसभा के अभिभावक और बच्चों में भी आक्रोश है और अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं कि स्कूल में पहले शिक्षक का सम्मान होता था लेकिन एक शिक्षक ही एक प्रधानाध्यापक ही जब बच्ची का अपमान करने लगे उसके जाति का अपमान करने लगे पासवान समुदाय को गाली देने लगे तो बच्चे स्कूल जाएं तो कैसे जाएं अभिभावक बच्चे को स्कूल भेजे तो कैसे भेजे। और ये सब सभी लोग यहाँ पे पढ़े लिखे नहीं है कलेक्टर नहीं है इंजीनियर नहीं है लेकिन स्वाभिमान सब में है आक्रोश सब में है इज्जत सब में है प्रतिष्ठा सब में है मजदूरी भले करते हैं लेकिन स्वाभिमान से जीना जाते हैं। और जिस तरह से कुशेश्वर स्थान के थाना प्रभारी ने उमेश पासवान को थाना से भगाया ये सब लोग आक्रोशित है और एक स्वर में बोल रहे हैं गंगा प्रसाद यादव की गिरफ्तारी चाहते हैं। गंगा प्रसाद यादव की गिरफ्तारी चाहते हैं। शिक्षक की गिरफ्तारी चाहते हैं। और दोस्तों ये जो पुतला बनाया गया है ये इसीलिए कि आक्रोश प्रकट करने के लिए और एक संदेश देने के लिए चिराग पासवान जी को कि एक पैर पे चिराग पासवान जी आपके पीछे ये खड़े रहते हैं और कुशेश्वर स्थान प्रशासन के लिए कि कमजोर समझने की भूल मत कीजिए दलित जरूर है गरीब जरूर है लेकिन स्वाभिमान है हम लोगों का। और निश्चित रूप से दरभंगा जिला प्रशासन को ऐसे शिक्षक को बर्खास्त करने के लिए Mudah banget, mudah banget, mudah banget, mudah banget, mudah banget.